ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खगड़िया में इन दिनों कोसी और बागमती उफान पर है। नदियों के जलस्तर में हो रहे वृद्धि से चौथम प्रखंड के शुशवा गांव में एक बार फिर भूमि कटाव ने रफ्तार पकड़ लिया है और अब तक कई एकड़ कृषि योग्य जमीन कोसी नदी के गर्भ में समा चुकी है। वहीं दर्जनों परिवार का आशियाना कटाव के मुहाने पर है। धमारा घाट से फनगो हॉल्ट तक जाने वाली गांव की मुख्य सड़क पर भी कटाव का खतरा मंडराने लगा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। शुशवा गांव के लोग चंदा करके कटाव स्थल पर बांस और झाड़ी डाल रहे हैं ताकि कटाव को रोका जा सके। हालांकि जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने कहा है कि कटाव को लेकर जिला प्रशासन वॉचफुल है और फ्लड फाइटिंग का काम जल्द ही शुरू कराया जाएगा। आपको बता दें कि शुशवा गांव में पिछले कई सालों के बीच कटाव देखा जा रहा है। इसमें सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा जाते हैं, तो हर साल ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है और इस बार भी ग्रामीण इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि उनका आशियाना बिखर जाएगा। लगातार हो रहे कटाव से कई उपज वाले जमीन भी नदी में विलीन हो गए हैं। इसमें कटाव रोधी कार्य बराबर किए जाते हैं। कुछ स्कीम ऐसी होती है जो हम लोग फ्लड के टाइम में जब बाढ़ आती है उसके बाद जब पानी निकलता है तब कटाव पड़ता है, ऐसे टाइम पे कुछ कटाव रोधी कार्य किए जाते हैं। कुछ बड़ी स्कीमें भी होती हैं जो विभाग द्वारा ली गई हैं, जो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्कीम होती है, कुछ समय लगता है। तो पूरे जिले में बहुत सी ऐसी स्कीम भी हुई हैं, कुछ प्रक्रियाधीन भी हैं। तो वो दोनों तरह की स्कीम हम लोग बराबर कैरी आउट करते हैं और हम लोग की नज़र ऐसे एरिया में है जहाँ पे कटाव संभाव। और संवाददाता स्वतंत्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वतंत्र, कटाव का दंश हर वर्ष इन गांव वालों को झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है। हर साल कई एकड़ जमीन नदी में विलीन हो जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखी जा रही है। किस तरह की तैयारी वहां चल रही है जिलाधिकारी की तरफ से ताकि कटाव को रोका जा सके? देखिए रत्नी, नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण जो है बागमती और कोसी नदी जो है उफान पर है। खास करके खगड़िया की बात करें तो यहाँ भी कोसी और बागमती काफी नदियों में काफी वृद्धि हो रही है और इसका नतीजा है कि चौथम प्रखंड के शिशवा गांव में जो है पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है इस बार भी भूमि कटाव तेज हो गया है। कल से जो है वहाँ पे कटाव जो है वो रफ्तार पकड़ लिया है और लगभग 10 एकड़ जो है उपजाऊ जमीन जो है वो क्या कहते हैं कोसी नदी के गर्भ में समा गया है। वहीं जो वहाँ का महत्वपूर्ण सड़क है जो फनगो हॉल्ट तक जाती है, सिसवा से फनगो हॉल्ट तक, वो भी सड़क जो है कटाव के मुहाने पर है। तो कुल मिला के लोग जो है इस कटाव से वहाँ के लोग जो है काफी दहशत में हैं। हालांकि जिला पदाधिकारी ने कहा कि वह वॉचफुल हैं, कटाव को लेकर के जिला प्रशासन सक्रिय है, जल्द से जल्द वहाँ जो है फ्लड फाइटिंग का काम कराया जाएगा और इसको लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग टू को जो है निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द वो कटाव स्थल पर जाएं और वहां पर जो है वो फ्लड फाइटिंग का काम कराएं ताकि जो है कटाव को रोका जा सके। बिल्कुल स्वतंत्र, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर कटाव हर वर्ष होता है तो इसकी तैयारी पहले क्यों नहीं की जाती है? जब कटाव शुरू हो जाता है इसके बाद तैयारी को लेकर अधिकारी सोचते हैं कि अब हम काम शुरू करेंगे। अभी तो कई जो हिस्से हैं जमीन के वो नदी में विलीन हो चुके हैं, तो परेशानी का सबब बना हुआ है ग्रामीणों के लिए। देखिए रश्मि, इसको इस संबंध में बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो हमें राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है, जब नदियां जो है नदी का जलस्तर जो है बढ़ना कम हो जाता है तो कटाव शुरू हो जाता है, उस स्थिति में जो है वहाँ फ्लड फाइटिंग का काम कराया जाता है। तो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग फ्लड फाइटिंग का काम कराते हैं और खगड़िया में कई जगह फ्लड फाइटिंग का काम कराया भी गया है और जो ये सिसवा में जो कटाव हो रहा है इसको लेकर के भी जो है वो फ्लड फाइटिंग का काम जो है वो शुरू करा दिया जाएगा। बिल्कुल स्वतंत्र, ग्रामीणों का क्या कहना है क्योंकि ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर बांस और झाड़ी लगा रहे हैं ताकि कटाव को रोका जा सके, ऐसे में उनका क्या कहना है?
बावजूद वो इस मामले में वो संवेदनशील नहीं हुए और जिस नतीजा है कि कटाव पुनः जो है शुरू हो गया और उनका जो है खेती योग्य जमीन जो है वह नदी के गर्भ में समा गया। अगर समय रहते अगर कटाव निरोधी कार्य होता तो शायद उनका जो है जमीन जो है कोसी नदी के गर्भ में नहीं समाता। तो ग्रामीणों का कहना है कि इस कटाव का जो है अस्थाई समाधान हो, अगर यही रफ्तार रहा तो गांव का वजूद मिट जाएगा। बिल्कुल स्वतंत्र, ये बेहद जरूरी है कि इसका कोई अस्थाई समाधान हो ताकि हर वर्ष ये कटाव की जो स्थिति उत्पन्न होती है ये रुक सके और ग्रामीणों को नुकसान ना उठाना पड़े। बहुत शुक्रिया स्वतंत्र आपका तमाम जानकारी के लिए।